हमारे देश में कई धर्मों के लोग मिलजुल कर साथ में रहते हैं, पर पिछले कुछ समय से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि समाज में दरार पड़ सके। ये अब नेताओं या पॉलिटिकल रैलियों तक सीमित नहीं रह गई है, इस बात में अब मीडिया भी शामिल हो चुका है। आपको याद ही होगा, जब कोरोना देश में शुरुआती दौर में था, तब तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाने शुरू हुए थे और मीडिया ने इस मुद्दे को कैसे हिंदू मुस्लिम की डिबेट में बदल दिया था। तबलीगी जमात ने अपना कहर दिखा दिया है और हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिदों में एकत्र होने से बाज नहीं आ रहा। क्या ये जानबूझ कर किया जा रहा है? क्या एक षड्यंत्र है? दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है, साजिश है क्या ये? फाइनली राहुल, दिस इज बायो आतंकवाद, दिस इज बायो जिहाद। और जमात के ना जाने कितने लोग इस वक्त देश में कोरोना बम बनकर घूम रहे हैं। क्या सड़क पर घूम रहे हैं कोरोना बम? बाद में कोर्ट ने मीडिया को इस मामले पर फटकार भी लगाई, पर अब भी मीडिया किसी न किसी तरह इस मुद्दे में हिंदू मुस्लिम डिबेट को डाल ही देता है। इस बार तो हद ही कर दी गई। एक न्यूज चैनल ने यूपीएससी जैसी परीक्षा को भी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में जोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं सुदर्शन टीवी की। सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के मुसलमानों के सिविल सेवा में चुने जाने को लेकर दिखाए जा रहे कार्यक्रम पर सख्त एतराज जताते हुए बचे हुए एपिसोड दिखाने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की खंडपीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश TY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस चैनल की ओर से किए जा रहे दावे घातक हैं और इनसे यूपीएससी की परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लांछन लगेगा और ये देश का नुकसान करता है। इस रोक से पहले ही लेकिन सुदर्शन चैनल इसके कई भाग प्रकाशित कर चुका है। सरकारी नौकरशाही में मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान IPS IAS में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सुरेश चावन के, जो सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं, वह एक धर्म के खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा वे पहले भी कई बार कर चुके हैं। उन्होंने कुछ हिंदू समुदाय को शपथ लेने को कहा था कि वह मुस्लिम दुकानदार से कुछ नहीं खरीदेंगे, अगर कुछ भी खरीदेंगे तो सिर्फ हिंदू से। असल में यह मामला शुरू हुआ था 25 अगस्त को, जब सुदर्शन न्यूज चैनल ने एक टीजर जारी किया था जिसमें चैनल के संपादक ने यह दावा किया था कि 28 अगस्त को प्रसारित होने वाले उनके कार्यक्रम बिंदास बोल में कार्यपालिका के सबसे बड़े पदों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश किया जाएगा। इसके बाद IAS IPS अधिकारियों ने इसका जमकर विरोध किया। अविनाश शरण ने लिखा था कि अ न्यू एंट्री इन द मंडी ऑफ TRP, शी शुड बी आस्क्ड अबाउट द सोर्स एंड लायबिलिटी ऑफ दिस सो कॉल्ड पर्दाफाश। वहीं एक और IAS प्रभजोत सिंह ने लिखा था कि व्हाई डोंट पुलिस अरेस्ट हिम एंड व्हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स और माइनॉरिटीज कमीशन और UPSC डोंट टेक सुओ मोटो कॉग्निजेंस नाउ एट ट्विटर इंडिया प्लीज टेक एक्शन एंड सस्पेंड दिस अकाउंट इट्स हेट स्पीच। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कार्यक्रम पर 28 अगस्त को रोक लगा दी। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायाधीश नवीन चावला ने इस कार्यक्रम के प्रसारण के खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी किया था, मगर 10 सितंबर को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चैनल को ये कार्यक्रम प्रसारित करने की इजाजत दे दी। 10 सितंबर को मंत्रालय ने अपने आदेश में लिखा कि सुदर्शन चैनल के प्रधान संपादक सुरेश चमानके ने 31 अगस्त को आधिकारिक रूप से अपने जवाब दे दिया है, जिसके बाद मंत्रालय ने निर्णय ले लिया है कि अगर कार्यक्रम के कंटेंट में से किसी तरह का भी नियम कानून का उल्लंघन होता है तो चैनल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक एंकर आकर कहता है कि एक विशेष समुदाय UPSC में घुसपैठ कर रहा है,
क्या इससे ज्यादा घातक कोई बात हो सकती है? ऐसे आरोपों से देश की स्थिरता पर असर पड़ता है और यूपीएससी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर लांछन लगता है। इसी बहस के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने मीडिया विज्ञापनों पर भी चर्चा की। उनके अनुसार ये सामने आना चाहिए कि सरकार कौन से चैनलों को ज्यादा विज्ञापन देती है और कौन से को कम। खैर, सरकार उसी को ज्यादा विज्ञापन देती है जो सरकार के हक में बोलता है। इसके बारे में अधिक जानकारी वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अपने शो के जरिए भी दी। सवाल सही है कि क्या सरकार एक में विज्ञापन ज्यादा डालती है और दूसरे में कम। इस सवाल का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट एक मौके पर दे चुका है। मामला यह था कि हिंदी के एक बड़े अखबार राजस्थान पत्रिका को राजस्थान सरकार ने विज्ञापन देना बंद कर दिया था। अगस्त 2016 में पत्रिका के संपादक गुलाब कोठारी ने एक संपादकीय लिखा और कहा कि 37 संस्करणों वाले इस अखबार को वसुंधरा सरकार ने विज्ञापन देना बंद कर दिया है। सरकार के खिलाफ खबर छापने के कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकारों ने भी विज्ञापन देना बंद कर दिया था। यह एक तरह से आपातकाल है। इस संपादकीय की काफी चर्चा हुई थी। उस समय यह मामला संसद में भी उठा और सुप्रीम कोर्ट में भी। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच थी। आदेश हुआ कि राजस्थान पत्रिका को सरकारी विज्ञापन दिए जाएं, रोका नहीं जा सकता। मीडिया पर देश की जनता भरोसा करती है क्योंकि मीडिया की एक ही माध्यम है जिससे देश की खबर का पता चलता है। अगर वह मीडिया ही नफरत फैलाने लगेगा तो आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होगा, वह क्या सीखेंगे? उनमें हमारे देश में बरसों से चली आ रही मिलजुलता की भावना खत्म हो जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया टीआरपी के चक्कर में नफरत ना फैलाकर मिलजुलता का संदेश देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।